नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, रशिया बना रहा है दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम S-500। जी हाँ, S-500 S-400 का ही फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें एंटी एयर कैपेबिलिटी के साथ साथ एंटी स्पेस कैपेसिटी भी होने जा रही है, यानी कि ये नियर स्पेस से आते हुए खतरों को भी भाप कर उनसे निपटने में सक्षम होने वाला है। आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में S-500 की डिटेल्स और खासियतों के बारे में और क्यों ये डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस्ड है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रशिया बना रहा है S-500 डिफेंस सिस्टम, और ये डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस्ड सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम होने जा रहा है, और इसे रशिया के A-125 डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने और साथ ही साथ S-400 को सप्लीमेंट देने के लिए भी बनाया गया है। इसे रशियन कंपनी एलमाज एंटी बना रही है और फिलहाल इसकी ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर तक की है। एलमाज एंटी के एक अधिकारी ने बताया कि इस नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम के कई कंपोनेंट्स को डेवलप करके टेस्ट किया जा चुका है। ये सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक एंटी स्पेस वेपन भी है, जिसे रशियन आर्मी में इंट्रोडक्शन से रशिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत हद तक बदल जाएंगी और रशिया एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में टॉप लेवल पे आने वाला है। ये सिस्टम किसी भी एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड तक की स्पीड से उड़ने वाले हर टारगेट को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा कहना है इसके डेवलपर्स एलमाज एंड एंटी के अधिकारियों का। इसी के साथ साथ S-500 और भी बहुत कुछ कर सकता है। ये बैलिस्टिक टारगेट्स को सिर्फ अपनी डाउनवर्ड फ्लाइट के दौरान ही नहीं, बल्कि अपनी फ्लाइट्स के हर पोर्शन के दौरान शूट कर सकता है, यानी कि अपवर्ड फ्लाइट्स के दौरान, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, हर तरह की फ्लाइट पोर्शन के दौरान ये टारगेट्स को शूट करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ अब आपको बताएं तो S-500 में 600 किलोमीटर की रेंज है और 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में किसी भी टारगेट को ये ध्वस्त कर सकता है, और ये नियर स्पेस के टारगेट्स को भी हिट कर सकेगा। इसका मतलब ये कि एंटी स्पेस वेपन है दोस्तों। ऐसा वेपन अभी तक किसी देश के पास नहीं है जिसमें कि इतनी सारी कैपेबिलिटीज हों। हालांकि एंटी स्पेस वेपन और भी देशों ने बनाकर तैयार कर लिए हैं, लेकिन इतनी सारी एडवांस्ड फैसिलिटीज और कैपेसिटीज किसी एक सिस्टम में होना बहुत बड़ी बात है। माना जा रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का डिफेंस सिस्टम है। अब इसकी हिस्ट्री जाने और थोड़ी डिटेल्स जाने तो ये प्रोजेक्ट 2014 में बनना शुरू हुआ था और इसके 2025 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट का नाम रशिया के ही 1960 के एंटी एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट S-500U से मिलता जुलता है। दोस्तों, रशिया 1960 तक सोवियत यूनियन हुआ करता था और सोवियत यूनियन की नेवी और एयरफोर्स ने उस समय एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसका नाम भी S-500U रखा गया था। तो इसका नाम भी उस प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है क्योंकि ये भी एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल्स है। इसी के साथ साथ ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर पाएगा। इसके अलावा इसमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल फीचर होने वाला है, यानी कि किसी भी खतरे के कोई एयरबोर्न होते ही भांप लेगा और अर्ली वार्निंग सेंड करेगा कंट्रोल रूम पे। S-500 एक समय पर 10 से ज़्यादा टारगेट तक को टारगेट डिटेक्ट और इंगेज कर पाएगा और हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि मैक 5 की स्पीड से उड़ रहे टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर पाएगा। इसके अलावा ये UAV यानी कि अनमैंड एरियल व्हीकल्स, लो अर्थ ऑर्बिट पे सैटेलाइट्स यानी कि नियर स्पेस के खतरे, इसके अलावा स्पेस वेपन्स लॉन्च फ्रॉम हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, जो हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट स्पेस वेपन लॉन्च करते हैं, उनसे भी ये निपट सकेगा। इसी के साथ साथ ड्रोन्स और हाइपरसोनिक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म्स को भी टारगेट कर पाएगा। इसका रिस्पांस टाइम 4 सेकंड से भी कम होने वाला है। क्या आपको पता है कि S-400 का रिस्पांस टाइम कितना है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पिछले महीने ही द डिज़ाइन ऑफ ब्यूरो फॉर स्पेशल मशीन बिल्डिंग, जो कि एलमाज एंटी की ही एक सब्सिडरी
है उसने ये जानकारी दी थी कि S-500 का लॉन्चर्स, मल्टीफंक्शनल लोकेटर, मिसाइल डिफेंस लोकेटर, कमांड एंड चैम्स और ट्रांसपोर्टेशन यूनिट्स फॉर अर्ली वार्निंग ऑर्डर्स ऑलरेडी डेवलप कर लिए गए हैं और अंडर टेस्टिंग है ये सारे इक्विपमेंट्स। और 2019 के अंत में रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी जानकारी दी थी कि S-500 को 2020 में स्टेट टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा और 2025 तक इसे मिलिट्री को सौंप दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स लाते रहते हैं। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।